पेड़ पौधे, जीव जंतु और पशु पक्षी, ये सभी हमारी इस खूबसूरत पृथ्वी का एक हिस्सा हैं। इनके बिना हमारी इस खूबसूरत सी पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की कल्पना करना भी असंभव है। आपने अपने आसपास कई जीव जंतुओं को देखा होगा। कुछ जीव आकार में बड़े और भयंकर होते हैं तो कुछ छोटे और शांत। कुछ जीव दिखने में बेहद सुंदर भी होते हैं तो कुछ बेहद ही अजीब। इनमें से कुछ जीव बेहद ही विषैले होते हैं तो कुछ सामान्य। कुल मिलाकर सब अपने अपने हिसाब से इस पृथ्वी पर रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ जीव अदृश्य यानी इनविजिबल भी होते हैं? जी हाँ दोस्तों, इनविजिबल मतलब छुपे हुए जीव, जिन्हें किसी इंसान के द्वारा पहचान पाना भी काफी मुश्किल होता है। और इनविजिबल होने की ये कला कुदरत ने इन्हें गिफ्ट की है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही एनिमल्स के बारे में बताएंगे जो अदृश्य होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम तोमर, स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। लेप्टोसिफेलस। लेप्टोसिफेलस एक ऐसा समुद्री क्रिएचर होता है जो सबसे ज्यादा इनविजिबल होता है, जिसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि ये बिल्कुल पानी की ही तरह दिखता है और ये पानी की ही तरह पारदर्शी होता है, इसीलिए इसकी पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जब ये अंडों से बाहर निकलते हैं तो इनका शरीर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और इनकी इसी ट्रांसपेरेंसी के चलते दूसरे समुद्री एनिमल्स इन्हें आसानी से देख नहीं पाते, और ऐसे हालात में ये दूसरे बड़े बड़े समुद्री एनिमल्स के जानलेवा हमलों से खुद को आसानी से बचा लेते हैं। लेप्टोसिफेलस अंडों से निकलने के बाद 3 महीनों तक ऐसे ही इनविजिबल रूप में रहते हैं, और जब भी इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये अपनी सुरक्षा आसानी से कर सकते हैं और अपने लिए भोजन का प्रबंध कर सकते हैं, तो ये अपने असली रूप में आ जाते हैं। अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट करने का ये गुण इन्हें नेचर से ही मिला है, और अपने इसी गुण की वजह से ये क्रिएचर काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। लीफ इंसेक्ट्स। दोस्तों जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? गौर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी पेड़ का कोई पत्ता है, लेकिन रुकिए जनाब, ये कोई पेड़ की लीफ नहीं बल्कि ये एक प्रकार का जीव है जिसका नाम है लीफ इंसेक्ट। आपने अपने आसपास कई कीड़े मकोड़े जरूर देखे होंगे, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का कीड़ा है, और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कीड़ा एक पत्ते की तरह दिखने वाला विशेष प्रकार का कीड़ा है। असल में ये जीव प्राकृतिक रूप से ही ऐसा है, लेकिन ये अपने आप को पेड़ के पत्तों के बीच ऐसे छुपा लेता है जिसे देखने पर ऐसा लगता है मानो ये भी कोई मामूली पत्ता ही है, और ये ऐसा इसलिए करता है ताकि ये जंगल में रहने वाले बड़े बड़े जानवरों और पक्षियों का भोजन ना बन पाए, क्योंकि ये छोटा सा क्रिएचर जंगल में रहने वाले कई बड़े बड़े एनिमल्स और बर्ड्स का पसंदीदा भोजन होता है, इसीलिए लीफ इंसेक्ट को अपनी जान बचाने के लिए इस तरह का पैटर्न अपनाना पड़ता है। इसके अलावा लीफ इंसेक्ट में एक विशेष प्रकार का गुण भी होता है, और वो ये कि ये अपनी जान पर आने वाले खतरे को महसूस करते ही ये क्रिएचर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल बेजान, ताकि कोई इन्हें देख ना पाए। अब अगर बात करें इनके खाने पीने की, तो लीफ इंसेक्ट पेड़ों पर आने वाले फलों को खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये अपना पूरा जीवन पेड़ों पर रहकर ही गुजार देते हैं। प्रकृति ने भी इस जीव को क्या खूब नवाजा है। पिग्मी सी हॉर्स। विशालकाय समुद्रों में पाए जाने वाले ज्यादातर जीव भी विशालकाय ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि समुद्र में केवल बड़े बड़े जीव ही रहते हैं, बल्कि विशालकाय समुद्र में छोटे छोटे जीवों का भी बसेरा है। विशालकाय समुद्र में विशालकाय जीवों के साथ छोटे छोटे जीवों का रहना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि ये बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन पिग्मी सी हॉर्स समुद्र में पाए जाने वाले उन छोटे छोटे जीवों में से एक है जो सबसे ज्यादा विशाल समुद्र में बड़े बड़े जीवों के मध्य सबसे ज्यादा सर्वाइव कर पाता है, और इसके सर्वाइव करने का मुख्य कारण इसका इनविजिबल होना है। जी हाँ दोस्तों, करीब 2 सेंटीमीटर से भी छोटे आकार के पिग्मी सी हॉर्स की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये जरूरत के हिसाब से अपना कलर बदल लेते हैं, और ये छुपने में इतने माहिर होते हैं कि ये कलर बदलने के साथ साथ अपने शरीर को सी प्लांट की तरह बना लेते हैं, जिससे हम इंसान तो दूर की बात, जानवर भी इन्हें आसानी से नहीं देख पाते। आपको बता दें कि पिग्मी सी हॉर्स आमतौर पर जापान, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। लीफ टेल्ड गीको। आपने अपने घरों में छिपकलियों को जरूर देखा होगा। नॉर्मल छिपकलियां आपको दीवारों पर नजर आ ही जाएंगी, लेकिन लीफ टेल गीको एक विशेष प्रकार की छिपकली है। ये छिपकली सूखी पत्तियों की तरह दिखाई देती है, और ये पेड़ों की पत्तियों में अपने आप को ऐसे मिला लेती है कि इन्हें एक नजर में ये देखकर नहीं बताया जा सकता कि ये कोई पत्ती है या छिपकली। अमेजन के जंगलों में पाई जाने वाली ये छिपकली सबसे दुर्लभ जीवों में से एक है। इसके अलावा ये छिपकली रंग बदलने में भी माहिर है।
ये माहौल और परिस्थितियों के हिसाब से अपना रंग बदल लेती है और ये कला प्रकृति द्वारा इसे गिफ्ट की गई है। ये छिपकली किसी पेड़ पर इस तरह विराजमान होती है कि बड़े से बड़ा एक्सपर्ट व्यक्ति भी धोखा खा जाए और लोगों का ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि ये पेड़ पर लटक रहा कोई सूखा पत्ता है या कोई क्रिएचर। इस छिपकली की पूंछ पत्ती की तरह ही होती है और कलर भी सूखी पत्तियों की तरह ही होता है। इस छिपकली को अपना शिकार ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इसके पास खुद ही आ जाते हैं, क्योंकि वो कीड़े इस छिपकली की अदृश्यता से अनजान रहते हैं। आमतौर पर ये छिपकलियां मेडागास्कर में ही पाई जाती हैं। ईस्टर्न स्क्रीच आउल। ईस्टर्न स्क्रीच आउल आउल की एक प्रजाति का जीव है। ये भी उन इनविजिबल जीवों की लिस्ट में आ जाता है जो अपने आप को छुपाने में सबसे माहिर माने जाते हैं। इसकी खासियत ये है कि जब ये किसी सूखे पेड़ पर बैठता है तो अपने आप को ये उस पेड़ में इस कदर छुपा लेता है कि दूर से सिर्फ इसकी आंखें ही नजर आती हैं। और अगर ये अपनी आंखें बंद करके बैठे तो ये पूरी तरह से पेड़ में ही मिक्स हो जाता है। इस स्थिति में किसी के लिए भी ये बता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये सिर्फ पेड़ है या पेड़ पर बैठा कोई जीव। इसके अलावा इनमें एक विशेष गुण और है, वो ये कि जब भी ये किसी टहनी पर बैठते हैं तो ये इस कदर बैठते हैं कि उस पेड़ पर टहनी और उल्लू का पता लगा पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। इस तकनीक से ये अपने शिकार को आसानी से ढूंढकर उनका शिकार कर पाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा ये सूखे पेड़ों पर रहना ही पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ ये सेफ रहते हैं और सूखे पेड़ में ये खुद को आसानी से छुपा पाते हैं। इस प्रजाति के उल्लू नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको से कनाडा तक पाए जाते हैं। ओएक लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों, तितलियों से तो आप बखूबी परिचित ही होंगे क्योंकि ये प्रकृति के सबसे खूबसूरत जीवों में से एक हैं। ओएक लीफ बटरफ्लाई तितलियों की एक प्रजाति है। ओएक लीफ बटरफ्लाई को देखकर आप जरूर ही हैरानी में पड़ जाएंगे क्योंकि ओएक लीफ बटरफ्लाई एक विशेष प्रकार की तितली है जिसके पंख किसी पेड़ की सूखी हुई पत्तियों की तरह लगते हैं। और इस तितली को देखकर आप वाकई बोल उठेंगे कि क्या वास्तव में ये एक तितली ही है। पेड़ से गिरे हुए किसी सूखे पत्ते की तरह दिखने वाली ये तितली सबसे दुर्लभ तितलियों में से एक है। इसके पंख बाहर से एक सूखे पत्ते की तरह दिखते हैं लेकिन अंदर से काफी कलरफुल होते हैं। इस प्रजाति की तितलियों को ढूंढ पाना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि ये पेड़ों के रंग में ही अपने आप को रंग लेती हैं। ओएक लीफ बटरफ्लाई आमतौर पर नेपाल, भूटान और थाईलैंड में पाई जाती हैं। द बफ टिप मॉथ। दोस्तों, जरा इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि एक छोटा सा क्रिएचर है तो आप भला क्या सोचेंगे। इस अद्भुत क्रिएचर का नाम है द बफ टिप मॉथ। ये क्रिएचर उन अदृश्य क्रिएचर्स में से एक है जिन्हें पहचानने में जानवर तो क्या इंसान भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्रिएचर न केवल लकड़ी के कलर जैसा है बल्कि ये आकार और आकृति में भी लगभग लकड़ी के आकार जैसा ही दिखाई देता है, इसीलिए द बफ टिप मॉथ सबसे अलग है। ये भी छिपने की कला में कितने माहिर होते हैं। ऐसे किसी भी जीव को इनका शिकार करने में काफी परेशानी होती है। ये अपने आप को बिल्कुल पेड़ की लकड़ी की तरह बना लेते हैं जिससे ये अन्य जंगली जीवों के शिकार से बच जाते हैं। ये जीव जून और जुलाई के महीनों में ही ज्यादा दिखाई देते हैं और ये पेड़ पर ही रहना पसंद करते हैं। ग्रेट ट्री फ्रॉग। आपने मेंढकों को जमीन और पानी में जरूर देखा होगा क्योंकि ये जमीन और पानी में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी पेड़ों पर रहने वाले मेंढकों को देखा है? अगर नहीं तो इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको पेड़ पर बैठा हुआ एक मेंढक दिखाई दे रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला मेंढक भी पेड़ पर बैठा करते हैं, तो आप सही सोच रहे हैं। दरअसल ग्रेट ट्री फ्रॉग की प्रजाति के मेंढक पेड़ पर रहते हैं और ये मेंढक भी अपने आप को छुपाने में काफी माहिर होते हैं। इसके अलावा ये अपनी बॉडी का कलर बदलने में भी माहिर होते हैं। ये जिस पेड़ पर बैठते हैं उस पेड़ के कलर के मुताबिक ही अपने शरीर को बना लेते हैं जिससे उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाता और ये अन्य जंगली जानवरों का शिकार होने से बच जाते हैं। आमतौर पर इस तरह के मेंढक अमेरिका और साउथ ईस्टर्न में पाए जाते हैं। सामान्यतः इनका कलर व्हाइट, ग्रे और ब्राउन होता है। ये मेंढक पेड़ों पर ही रहना पसंद करते हैं और ये पेड़ों पर रहने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मॉसी फ्रॉग। अब बात करते हैं मॉसी फ्रॉग की। ये भी मेंढक की ही एक प्रजाति है। इनका ये नाम मॉसी प्लांट्स के ऊपर पड़ा है। मॉसी प्लांट्स नदियों, समुद्रों और झीलों के किनारे पाए जाने वाले खूबसूरत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और क्योंकि मॉसी फ्रॉग भी इन्हीं प्लांट्स की तरह दिखते हैं इसी वजह से इनका नाम मॉसी फ्रॉग है। पहली बार में मॉसी फ्रॉग को देखकर ये नहीं पता लगाया जा सकता कि ये मॉसी प्लांट है या मॉसी फ्रॉग।
ये अपने शरीर को अपने आसपास मौजूद किसी भी तरह के मॉसी प्लांट के रूप में बदल सकता है। इसके छुपने की ये काबिलियत ही इसे पूरी दुनिया के मेंढकों में सबसे अलग करती है। करीब 5 से 6 सेंटीमीटर तक के आकार के ये मॉसी फ्रॉग देखने में भी बहुत खूबसूरत होते हैं। मॉसी फ्रॉग्स अभी तक वियतनाम में ही पाए गए हैं। दोस्तों, प्रकृति ने सभी को अपनी अपनी परिस्थितियों और वातावरण के हिसाब से ढलने की क्षमता दी है, चाहे फिर वो जीव जंतु हों या फिर मनुष्य। और इसी तरह से ये जीव हैं जिन्हें प्रकृति ने अदृश्य होने का गिफ्ट दिया है। आपको इनमें से कौन से क्रिएचर ने सबसे ज्यादा हैरान किया, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।